सावन के महीने में मंदिर में जरूर रखें ये चीजें, बन जाएंगे सारे बिगड़े काम। सावन का महीना बहुत ही पवित्र होता है। आपके घर का मंदिर सबसे पवित्र स्थान होता है, जहाँ से पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। इस जगह को जितना साफ होना जरूरी है, उतना ही ये जरूरी है कि पूजा घर में कुछ जरूरी सामान हो, जो न सिर्फ आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी लाने में सक्षम होते हैं, बल्कि आपके लिए शुभ भी होते हैं। सावन के महीने में अपने मंदिर में जरूर रखें ये सामान। एक लोटे में जल, एक तांबे के लोटे में जल भरकर अपने मंदिर में जरूर रखें। रोजाना इस पानी को बदलते रहें। आप चाहें तो इसमें तुलसी का पत्ता डालकर भी रख सकते हैं। पूजा के बाद इस पानी को घर के सभी सदस्यों को दें। चंदन, चंदन भगवान शिव को प्रिय होता है। अपने मंदिर में चंदन जरूर रखें। ये आपके परिवार के बीच होने वाले कलह से शीतलता प्रदान करता है। चंदन की खुशबू से पूरा घर सकारात्मक हो जाता है। अक्षत, अक्षत के दो दाने यानी चावल के खड़े दाने संपन्नता का प्रतीक होते हैं। जब भी माथे पर तिलक लगाएं तो उस पर अक्षत के दाने चुपकाना ना भूलें। ये शुभ माना जाता है, इसलिए मंदिर में अक्षत के दाने भी जरूर रखें। चांदी का बेलपत्र, चांदी का बेलपत्र घर की मंदिर में रखने से जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। नाग नागिन का जोड़ा, नाग नागिन को भगवान, नाग नागिन का जोड़ा भगवान को शिव का आभूषण माना जाता है। सावन में चांदी या तांबे का नाग नागिन का जोड़ा घर में लाना बहुत ही शुभ होता है, शिव का आभूषण माना जाता है। सावन में चांदी या तांबे का नागिन का जोड़ा मंदिर में रखना बहुत ही शुभ होता है। त्रिशूल, सावन मास में घर के मंदिर में त्रिशूल रखना भी बेहद शुभ माना जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।